बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। अब से थोड़ी देर बाद बंगाल के पश्चिम बंगाल राज्यपाल आनंद बोस की मुलाकात अमित शाह से होगी। 11:30 बजे का समय तय किया गया है, यानी कि ठीक आधे घंटे बाद ये मुलाकात शुरू हो जाएगी। कोलकाता रेप केस को लेकर बंगाल के हालात पर रिपोर्ट देंगे सीवी आनंद बोस। इससे पहले राजधानी दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात हुई थी, लेकिन आज जो मुलाकात है वो अमित शाह से होनी है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से। पूरे जो बंगाल रेप कांड को लेकर जो हालात बने हुए हैं कोलकाता में, जिस तरीके से लगातार एकदम आक्रोश की स्थिति दिख रही है और हालात बेकाबू हैं। दो तस्वीरें आप देखिए, दिल्ली में बंगाल गवर्नर की मौजूदगी है, गृह मंत्री अमित शाह को आज रिपोर्ट देंगे। दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को। 11:30 बजे का समय तय किया गया है इस मुलाकात का, यानी कि अभी 11 बज रहे हैं, अब से ठीक आधे घंटे बाद ये मुलाकात संभव मानी जा रही है। कितनी देर तक ये मुलाकात चलती है इसका इंतजार करना होगा, लेकिन जो पश्चिम बंगाल का पूरा एकदम हालात बने हुए हैं, आज जितना वहां पर तनाव है, स्थिति बेकाबू है, हर रोज वहां प्रदर्शन किया जाता है, नाराजगी है, लेकिन उन प्रदर्शनकारियों पर कभी पत्थर फेंके जाते हैं तो कभी फायरिंग की जाती है, और इसी को लेकर महिमा आज ये मुलाकात खास मानी जा रही है। गवर्नर और गृह मंत्री को रिपोर्ट सौंपते हुए नजर आएंगे, और एक तरफ जहां आपने देखा ट्रेनिंग डॉक्टर्स का प्रदर्शन, उसके बाद आपने देखा कि कैसे प्रदर्शनकारियों पर लाठियां भांजी गई, और उनके अलावा आपने उसके अगले दिन देखा कि कैसे बीजेपी प्रदर्शन भी कर रही थी। अब ममता सरकार के कुछ मंत्री जो विधायक हैं वो भी प्रदर्शन की बात कर रहे हैं। आज बंगाल में क्या क्या होने वाला है वो भी आपको बता रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात कि राज्यपाल की अमित शाह से मुलाकात और उनको वो रिपोर्ट सौंपेंगे। जतिन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जतिन, आपसे कुछ ही देर में अमित शाह से बंगाल के राज्यपाल की मुलाकात होने वाली, जो आज रिपोर्ट भी सौंपते हुए नजर आएंगे। आज बिल्कुल देखिए, 8 तारीख के बाद जो इंसिडेंट पश्चिम बंगाल और खास तौर पर कोलकाता में हो रहे हैं उसके बारे में डिटेल जानकारी जो राज्यपाल हैं वो गृह मंत्री को देंगे। आपको याद होगा, आपसे कुछ दिन पहले गृह मंत्री ने सभी राज्य सरकारों को बोला था कि हर 2 घंटे की जो रिपोर्ट है लॉ एंड ऑर्डर की वो गृह मंत्रालय को दे। तो कहीं ना कहीं बीते दिनों में जिस तरीके से स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट हुआ, नबन्ना मार्च को लेकर ये पूरा जो प्रोटेस्ट है वो किया गया था, उसमें कैसे पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े, कई जगह छात्रों को खदेड़ा भी गया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, तो इसी मुद्दे को लेकर अभी कोलकाता की मौजूदा स्थिति क्या है, पुलिस प्रशासन को लेकर, लोगों की नाराजगी को लेकर, ये सभी डिटेल रिपोर्ट जो राज्यपाल है वो गृह मंत्रालय को देंगे, और उसके बाद देखना होगा कि गृह मंत्रालय की तरफ से क्या कोई नोटिफिकेशन आता है, क्योंकि राज्यपाल का साफ तौर पर कहना था कि जब छात्रों पर हमला किया गया, छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया, तो राज्यपाल ने इसको लेकर रोष जताया, और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की उस बात को भी याद दिलाया कि अगर कोई शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहा है तो एडमिनिस्ट्रेशन को कॉपरेट करना चाहिए, लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए। लेकिन जब जब कोलकाता की सड़कों पर प्रोटेस्ट हुए, चाहे वो लोकल लोगों ने किए, स्टूडेंट्स ने किए, किसी पॉलिटिकल पार्टीज ने किए, हर बार पुलिस द्वारा लाठीचार्ज जो है वो किया गया। इस बार जब राज्यपाल दिल्ली पहुंचे हैं तो कहीं ना कहीं इसकी डिटेल जानकारी दी जाएगी। और आपको याद होगा कि जब रिपब्लिक भारत से राज्यपाल ने बात की थी तो उनका कहना था कि वो लगातार गृह मंत्रालय को मौजूदा हालातों के बारे में लूप में रख रहे हैं, संविधान में जो जो चीजें होंगी उसको लेकर राज्यपाल जो है वो गृह मंत्रालय से बात करेंगे। नजरें इसी बात पर है कि क्या सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को लेकर इस रिपोर्ट जो राज्यपाल देने गए हैं उसमें सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का ही एक मुद्दा है, या इसके अलावा पश्चिम बंगाल की मौजूदा स्थिति के बारे में भी जानकारी होने की जो बात है वो भी क्लियर होती हुई नजर आ रही है। थोड़ी देर बाद तमाम जो परिस्थितियां वो बहुत क्लियर हो जाएंगी, लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर है कि छात्रों में रोष है। आज भी छात्रों का जो रोष है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। जतिन, आप ग्राउंड जीरो से एक एक जानकारी पहुंचा रहे हैं, फिलहाल के लिए शुक्रिया। एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, संदीप घोष से सीबीआई की कोलकाता सीबीआई दफ्तर में हो रही है पूछताछ। डॉक्टर मर्डर केस में ये पूछताछ हो रही है। पिछले कई दिनों से लगातार संदीप घोष से पूछताछ चल रही है सीबीआई के द्वारा। पॉलीग्राफ टेस्ट भी हुआ। आपको बता दें, बर्खास्त प्रिंसिपल है आरजीकर अस्पताल के संदीप घोष, जिनको लेकर पॉलीग्राफ टेस्ट करवाया जाता है। इसके अलावा भ्रष्टाचार को लेकर भी इस जांच पड़ताल होती है। संदीप घोष की करीबियों पर भी छापेमारी की जाती है। वहीं जतिन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जतिन, पिछले हम देख रहे हैं कई दिनों से लगातार संदीप घोष से पूछताछ हो रही है। आज इस पूछताछ का कौन सा दिन है और किस पड़ाव पर सीबीआई की टीम पहुंची है? क्या ये पूछताछ अभी और ऐसे ही लंबी चलेगी?
आज बिल्कुल देखिए, आज 14वां दिन है, संदीप घोष से लगातार पूछताछ की जा रही है। मेरे पीछे सीबीआई दफ्तर है और इसी दफ्तर में लगातार संदीप घोष से पूछताछ जो है वो की जा रही है। आज 14वां दिन है और आप इन 14 दिन की इन्वेस्टिगेशन पर नजर डालेंगे तो तकरीबन 160 घंटे के आसपास इन्वेस्टिगेशन अभी तक की जा चुकी है संदीप घोष से। संदीप घोष इसलिए भी सस्पिशियस करेक्टर है क्योंकि काफी सारे आरोप उन पर लगे हैं, लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन 14 दिन की गई है वो इन्वेस्टिगेशन दरअसल सबूतों को हैम्पर करना, बतौर प्रिंसिपल उन्होंने इंसिडेंट को लेकर क्या कुछ कार्रवाई की, इसको लेकर संदीप घोष से लगातार इन्वेस्टिगेशन सीबीआई की जा रही है। पॉलीग्राफी टेस्ट कराया गया, उसको एनालाइज कराया गया और उसके बाद जिन जिन बातों पर कॉन्ट्रडिक्ट सीबीआई को लग रहा है, और यही कारण है कि 14 दिन लगातार संदीप घोष से पूछताछ जो है वो की जा रही है। कल आपने देखा कि एक तरफ संदीप घोष से पूछताछ की जा रही थी तो दूसरी तरफ सीबीआई की टीम उसी आरजीकर मेडिकल कॉलेज के मॉर्चरी में पहुंची जहां पर जो पीड़िता है उसका शव को रखा गया था। वहां के लोगों के भी स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड किए गए। दरअसल सीबीआई दोनों तरफ से संदीप घोष पर शिकंजा कस रही है। एक तरफ सीबीआई ने एक अलग एफआईआर दर्ज की थी भ्रष्टाचार को लेकर, उसको लेकर भी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, और दूसरी तरफ बतौर प्रिंसिपल इस इंसिडेंट को लेकर जो कार्रवाई की जानी चाहिए थी वो कार्रवाई उनके द्वारा नहीं की गई। और लगातार वो वीडियो भी सामने आए जिसमें उसी सेमिनार हॉल के अंदर वो खुद खड़े नजर आ रहे हैं, भीड़ खड़ी नजर आ रही है, पुलिस खड़ी नजर आ रही है, तो क्यों उसको इंटैक्ट नहीं किया गया था? ये तमाम ऐसे सवाल है जिसको लेकर अभी सीबीआई को कोई क्लियरिटी नहीं है, और यही कारण है कि 14 दिन लगातार हो गए हैं संदीप घोष पर गिरफ्तारी की तो तलवार लटक रही है, लेकिन लगातार वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और सीबीआई की इसी इन्वेस्टिगेशन को लेकर आज सड़कों पर भी टीएमसी के तमाम कार्यकर्ता उतरेंगे। उनका कहना है कि सीबीआई इस पूरे केस को बहुत लंबा खींच रही है, लेकिन सीबीआई का साफ तौर पर कहना है कि जो जो लीड्स उन्हें मिल रही है उसको वो एक तरीके से एनालाइज कर रहे हैं, क्योंकि 5 तारीख को जब सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई जवाब देगी तो उसमें इन्हीं सबूतों का जिक्र किया जाएगा। और संभवतः अभी तक 9 लोगों का एक तरीके से पॉलीग्राफिक टेस्ट कराया गया जिसमें संदीप घोष भी शामिल हैं। अमूमन आप सीबीआई के इतिहास में नजर डालेंगे तो इतने ज्यादा लोगों का किसी एक केस में पॉलीग्राफिक टेस्ट जो है वो नहीं कराया गया, लेकिन इस केस में अभी तक 9 लोगों का पॉलीग्राफिक टेस्ट जो है वो करवाया गया। कहीं ना कहीं इस केस की ग्रेविटी को और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बना देता है कि आखिरकार जो अनसुलझे सवाल हैं, जवाब है, जिसको लेकर अभी तक सीबीआई कुछ क्लियर नहीं कर पा रही है, पॉलीग्राफिक टेस्ट को एनालाइज करा रही है, डीएनए रिपोर्ट उसको एम्स से कंसल्ट करवाया जा रहा है ताकि इस केस में कुछ ऐसा ना हो जो छूट गया हो जिसको लेकर आगे जाकर इन्वेस्टिगेशन करना पड़े। यही कारण है कि आज 14वां दिन है, संदीप घोष से लगातार जो पूछताछ है वो की जा रही है और आगे भी जो फैक्ट्स होंगे उसको। ठीक है जतिन, देखिए नजर बना के रखिए, तमाम अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे, लेकिन कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर सच्चाई कब तक सामने आएगी। इस खबर पर लगातार हम अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, हरियाणा बीजेपी की उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आ सकती है। आज बीजेपी की बैठक हुई और बैठक में कई नामों पर चर्चा, और खबर ये मिल रही है कि आज 55 नामों की लिस्ट जो है बीजेपी जारी कर सकती है। किसे टिकट दिया गया है, किसका पत्ता इस बार साफ हुआ है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए लगातार बीजेपी की जो रणनीति है वो देखने को मिल रही है। जो लोकसभा में हुआ उसे रिपीट बीजेपी नहीं करना चाहती है, और यही वजह है कि फूक फूक कर बीजेपी इस वक्त कदम रखती हुई नजर आ रही है। और आपको बता दें कि आज पहली लिस्ट आना जो है ये कहा जा सकता है कि आज पहली लिस्ट जो है वो आएगी। किसे इस बार चुनावी मैदान में उतारा जाएगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी है।